हेलो एवरीवन, निधि के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी केक रेसिपी। आप इसे क्रिसमस में या फिर जब चाहें तब बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पर मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 1/2 कप हमने यहाँ पर पाउडर चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने 1/4 कप दही लिया है 2 टेबल स्पून के लगभग। इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पर लेनी है। ये देखिए बहुत ही फ्लफी हमारा मिक्सर तैयार है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक स्ट्रेनर और इस पर हम डाल रहे हैं 1.5 कप गेहूँ का आटा, जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। साथ ही में हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेन कर देंगे। इससे केक बहुत ही फ्लफी बनता है। हम ये टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं तो हम इसमें जब ये हल्का सा छान लेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा सा टूटी फ्रूटी लिया है। आपको जितना पसंद हो आप ले सकते हैं। तो मैंने 2 ही कलर के लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमने आटा अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है। ऐसा करने से क्या होता है कि टूटी फ्रूटी सभी तरफ स्प्रेड रहेगी जब हम केक बनाएंगे, नहीं तो ये एक जगह पर ही बैठ जाएंगी। तो अच्छी तरह से देखिए मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। और बैटर बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर पर है। एक बैटर को बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 कप दूध लग जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालते जाएँ। टूटी फ्रूटी आप एकदम से ना डाल दें, नहीं तो फिर लम्स बन जाते हैं। तो पहले आप बैटर को अच्छी तरह से बना लें, इसके बाद ही लास्ट में एकदम हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 1 कप दूध लग गया है, 1/2 कप लगभग और लग जाएगा। तो बैटर बहुत ही फ्लफी एंड सॉफ्ट बनता है। बहुत थिक या बहुत थिन नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। यहाँ पर मैं इसे चॉकलेटी फ्लेवर नहीं दे रही हूँ। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालकर इसे चॉकलेटी भी बना सकते हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी था, तो हमने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी केक घर में बनाना आसान है, विदाउट एगलेस और विदाउट ओवन हम इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारा बहुत ही फ्लफी बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर या फिर जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। केक को बहुत ज़्यादा ओवर बीट कर जाने से वो कभी कभी बीच से फट जाता है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से केक को मिक्स करें। यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप का केक टिन ले लिया है। अच्छी तरह से ऑयल या बटर से ग्रीस कर दें। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। बैटर को केक टिन में अच्छी तरह से डाल देंगे। केक टिन को थोड़ा सा खाली रहने दें, जिससे कि जब हमारा केक फूले तो ऊपर तक आए, नहीं तो फिर ये नीचे गिर सकता है। अच्छी तरह से हमने भर दिया है, इसे टैप कर लें जिससे कोई भी एयर बबल्स ना रह जाए केक में। अब ऊपर से भी हम इसमें टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी ना हो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा केक बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से हमने सभी तरफ देखिए टूटी फ्रूटी लगा दी है। अब इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ इसे एक बड़े से पतीले में, थोड़ा मोटे तले का है, तो 5 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लेंगे। नीचे मैंने एक बर्तन रख दिया, छोटा सा कटोरी या प्लेट आप रख सकते हैं। 5 मिनट हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे और 30 से 35 मिनट लग जाते हैं इस केक को बेक होने के लिए। बार बार बीच में कवर बिल्कुल भी ना उठाएं, नहीं तो केक फिर अच्छी तरह से बेक नहीं होता। तो इसे अब हम 30 मिनट के बाद चेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। टोटल 35 मिनट लगे हमारे केक को बेक होने के लिए। अच्छी तरह से ये बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल डबल साइज़ का हो गया है ये। टूथपिक डालकर अच्छी तरह से चेक कर लें। कभी कभी टूथपिक चिपचिपी निकलती है, तो आप उसे 5 मिनट और रहने दें। तो केक हमारा बेक हो गया, इसे निकाल लेते हैं बाहर। केक को बाहर निकाल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लें 20 से 25 मिनट। इसके बाद ही आप इसे डीमोल्ड करें। तो ये देखिए बनकर तैयार हमारा बहुत ही टेस्टी फ्लफी आटे से बना हुआ केक। इसकी स्पंजनेस आप देख सकते हैं। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।